हेलो व्यूवर्स, ये आके एएचयू है, एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये ट्रिप हो गया था, ये किस लिए ट्रिप हो गया बोल के मैं आके चेक किया तो अलार्म आया था यूवी लीकेज, यूवी ट्रिप बोल के। जब मैं इसको रीसेट करके चालू किया तो ओएलआर में चालू करने के बाद ये क्या हो रहा है, मेन कंडक्टर और स्टार कंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है। 3 सेकंड के बाद टाइमर है 3 सेकंड के बाद स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर होने के टाइम पे ट्रिप कर जा रहा है। इसलिए हम लोगों को फाइंड आउट हुआ कि डेल्टा कंडक्टर ख़राब है। सो ये डेल्टा कंडक्टर 80 amps का है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं दिख रहा होगा, ये मॉडल नंबर देख लीजिए, LC1D50A बोल के। ये डेल्टा कंडक्टर हम लोग ने चेंज कर दिया, चेंज करके अब चालू किए हैं। चालू करके अब इसको मैं एम्स लेता हूँ रीडिंग। ये फेरोल नंबर है पावर टर्मिनल्स का पूरा। अब मैं इसका एम्स लेता हूँ बारी बारी। आर फेस का आके 53 amps ले रहा है। वाई फेस आके 55 amps ले रहा है। बी फेस आके 55.8 amps ले रहा है। इसका फुल लोड एम्प, ये 37 kW का मोटर है इसके अंदर, एएचयू के अंदर। इसका फुल लोड एम्पियर आ गया, ये नेम प्लेट है इसका, फुल लोड एम्पियर आके 71 amps है, देख लीजिए। ये 37 kW का मोटर है। अब मैंने इसको चालू कर दिया, ये चल रहा है। आई होप ये वीडियो देखने से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।